What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on a friendship VM of Haseena and करिश्मा। इनके फ्रेंडशिप वीएम पर रिएक्शन के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और लास्ट वाली वीडियो पे काफ़ी तगड़ा रिस्पांस आया था जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था अनुसीना वाली वीडियो पे। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना बना देते हैं। और वैसे ये ड्रामा मैंने देखा नहीं है, बट जितने सीन्स मैंने देखे हैं, फ़नी सीन्स मैंने देखे हैं, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है और काफ़ी फ़नी सीन्स है इसमें। तो फ़नी सीन्स पर भी किसी और दिन दोबारा रिएक्ट करेंगे और फनी सीन्स पर, बट अभी देखते हैं कि इनके फ्रेंडशिप वीएम कैसे है। सो लेट्स चेक इट आउट। वो कुर्सी उसने की थी। वैसे हेड तो ये है ना हसीना। ओह दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट। हाय तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना मैं वजह बेकार हूँ। They are beautiful. प्याज काट रही है। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, तू परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे। एक तेरी यारी का। इन दोनों के सीन्स तो बहुत मजे के होंगे यार, ऐसा मुझे लग रहा है। साड़ी वजह मुझे लगा सीने वैसे सीनियर हसीना है ना। Very nice. Well, this was the VM of Madam Sir, Haseena और करिश्मा का। वैसे मुझे इनके सीन्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, मतलब इन दोनों के सीन्स काफ़ी मज़े के होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और वो थार चढ़ाऊ भी थे, मतलब एक बंदूक वाले एक सीन था, पता नहीं वो उसके पीछे क्या कहानी है। अगर कोई बताना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और बाकी सीनर तो मुझे हसीना लग रही है इस शो में पूरे ताने की, और उसके बाद जो है वो करिश्मा होगी। बट दोनों की फ्रेंडशिप मतलब वेरी नाइस यार, मज़ा आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये ड्रामा मुझे सीआईडी की तरह लगता है,
बट किसी ने मुझे कमेंट में बताया नहीं कि ये CID की तरह है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है कि ये CID की तरह है, क्योंकि उसमें भी केसेस होते हैं वो सॉल्व करते हैं, फनी सीन्स भी उसमें थोड़े बहुत हैं बट इसमें बहुत सारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि CID की तरह है यह ड्रामा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग तो फिर भी बता देना कि आप गलत हो। खैर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा लगता है मुझे, तो आई डोंट नो कि इसके कितने एपिसोड्स हुए हैं। वैसे यूट्यूब पे ये आता है, मुझे मालूम है हर एक एपिसोड अपलोड करते हैं सेट इंडिया वाले। वैसे ये बात मुझे उनकी बहुत ज़बरदस्त लगती है, सोनी मैक्स या सोनी चैनल्स के जितने भी चैनल्स हैं वो अपलोड करते हैं एपिसोड्स, ये बहुत अच्छी बात है यार। मतलब ढूंढना नहीं पड़ता जाके किसी थर्ड पार्टी से, तो पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो यूट्यूब पे मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ कि कितने एपिसोड्स चल रहे हैं। वैसे मैं खुद भी यूट्यूब पे देख सकता हूँ कि कितने एपिसोड्स हुए, लेकिन कमेंट्स बढ़ाने हैं ना मुझे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हम 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।